वोट कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम प्रार्थना बोलेंगे। तो शिष्यों, मैं आज आपको धनुर्विद्या सिखाऊंगा। धनुर्विद्या सीखने से पहले हमें हमारे मन को केंद्रित करना होगा। गुरु जी, ध्यान को कैसे केंद्रित किया जाता है? हमें ध्यान को केंद्रित करने के लिए हमें हमारे मन को बाहरी चीज़ों से हटाकर एक विषय पर एक केंद्रित करना होगा। प्रणाम गुरुदेव, प्रभास्तु। क्या मुझे भी धनुर्विद्या सिखाएंगे? क्या मुझे भी अपना शिष्य बनाएंगे? अवश्य पुत्र, पहले तुम अपना परिचय दो। गुरुदेव, मैं एकलव्य द्रोणाचार्य भील पुत्र हूँ। क्या तुम एक भील पुत्र हो? मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। क्यों गुरुदेव? क्योंकि मैं तो सिर्फ क्षत्रियों और राजपुत्रों को ही ज्ञान देता हूँ। परंतु गुरुदेव, जन्म पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं। मैं एक क्षोत्र पुत्र हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? मुझमें तो एक योद्धा बनने के सारे बल और साहस हैं। क्या तुम मुझसे बहस कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, आपने तो मुझे अपना शिष्य नहीं माना, परंतु मैं तो आपको अपना गुरु मान ही चुका हूँ। अब तो मैं आपसे ही धनुर्विद्या सीखूँगा। चलो, आज का अभ्यास प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य के मना करने पर भी एकलव्य ने उनकी मूर्ति को अपना गुरु मानकर और उनके सामने अपना अभ्यास शुरू किया। गुरुदेव, आज मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ। अब मैं गुरु द्रोणाचार्य का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। तो शिष्यों, तुम्हारी धनुर्विद्या, मैं आज तुम्हारा परीक्षण लूंगा। गुरुदेव, क्या आप मेरा भी परीक्षण लेंगे? अवश्य पुत्र, पर मैंने तो तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई नहीं, तो तुमने कहाँ से सीखी? गुरुदेव, आपने तो मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया, परंतु मैं तो आपको अपना गुरु मान ही चुका था। मैंने आपकी मूर्ति सामने रखकर निरंतर अभ्यास किया और आज मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा भी परीक्षण लूँगा। उठो अर्जुन, सर्वप्रथम तुम्हारा परीक्षण होगा। तुम्हें जो वो कौवा दिख रहा है, उसकी आँख पर निशाना लगाओ। गुरुदेव, क्षमा करें, मैं अपने परीक्षण में असफल रहा, मेरा निशाना चूक गया। एकलव्य, अब तुम्हारी बारी। वो जो कौवा दिख रहा है, उसकी आँख पर निशाना लगाओ। जो आगे। एकलव्य, अपने परीक्षण में सफल रहे। अगर तुमने मुझे अपना गुरु मान ही लिया है, तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरुदेव, वैसे तो मैं तुच्छ प्राणी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, परंतु आप जो भी मांगेंगे मैं आपको सहर्ष दे दूंगा। ठीक है, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। धन्य हो एकलव्य। प्राचीन काल में शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानते थे तथा अंगूठा तो क्या अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते थे। अतः हमें भी अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना। धन्यवाद।